सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। BCCI ने दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस टीम में कोई जगह नहीं बनी है। माना जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने फॉर्म को देखते हुए दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। ये निर्णय विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर छोड़ा गया था कि उनको दिलीप ट्रॉफी में खेलना है या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम की कमजोरी श्रीलंका में सामने आई थी उस प्रकार से सभी मान रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे। ऐसा मानने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से आराम पे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेली थी, उसके बाद उनका यह आराम लगातार से चल रहा है। श्रीलंका सीरीज में जिस प्रकार से सभी भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के सामने कमजोरी उजागर हुई थी, उसको देख के लग रहा था कि सभी बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे और अपनी उस कमजोरी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा अपवाद स्वरूप आ चुके हैं। दोनों ने ही दिलीप ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। रोहित शर्मा अगर दिलीप ट्रॉफी नहीं भी खेलेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं उससे उनको दिलीप ट्रॉफी में खेलने और ना खेलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली की हालिया फॉर्म काफ़ी ख़राब है। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं किया था। हालांकि फाइनल में उनकी एक पारी जरूर आई थी, लेकिन 48 बॉल में 50, और उस पारी का क्रिटिसिज्म काफ़ी होता अगर वो मैच भारतीय टीम हार जाती तो। उसके बाद से विराट कोहली की फॉर्म लगातार ख़राब है। वनडे सीरीज में भी विराट कोहली ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। टीम इंडिया को अभी लगातार 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा असाइनमेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलनी है। अगर इंडिया को तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें विराट कोहली का फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के दिलीप ट्रॉफी न खेलने पर BCCI का दोहरा रवैया भी दिखाई देता। BCCI ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द कर दिया था, लेकिन क्या वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली के डोमेस्टिक न खेलने पर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए या उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। वर्कलोड मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से आराम कर रहे हैं और हाल में कोई क्रिकेट भी नहीं है, इसलिए अगर वो दिलीप ट्रॉफी खेलते तो उससे दर्शकों और दिलीप ट्रॉफी में ही कॉम्पिटिशन देखने को मिलता। BCCI के नियम के केवल सिर्फ छोटे खिलाड़ियों पर ही लागू होते हैं, क्या बड़े खिलाड़ियों पर कोई नियम लागू नहीं होता? इस समय में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है जितना बड़ा स्ट्रेचर विराट कोहली और रोहित शर्मा का है। आगे के समय में ये खिलाड़ी उतने ही बड़े बनेंगे। क्या ये खिलाड़ी सिस्टम से ऊपर हो जाएंगे? जब इनकी मर्जी होगी तो डोमेस्टिक खेलेंगे, और अगर नहीं मर्जी होगी तो नहीं खेलेंगे। इसमें BCCI को कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है कि उन्होंने अगर कोई नियम लागू किया है तो सभी खिलाड़ियों पर लागू होना चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि वो खिलाड़ी बड़ा है या वो खिलाड़ी छोटा है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के दिलीप ट्रॉफी में न खेलने पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।